आगामी आने वाले गणेश उत्सव पर्व को इको फ्रेंडली बनाने के लिए नगर निगम ने मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। राजधानी लखनऊ में स्वच्छता का संकल्प कैंपेन की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह, महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त समेत बड़ी संख्या में पार्षदों ने हिस्सा लिया। स्वच्छता का संदेश देने वाले वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा वितरित की गई। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि वितरित की गई प्रतिमा के अंदर बीज रखे गए हैं। इन प्रतिमाओं को गमलों में भी विसर्जित कर पौधारोपण को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रकृति से प्रेम, आप ये बताइए कि ये सोच पहले नहीं थी कि हम पूजा भी करें। इसमें हम तीन तीन पूजा कर रहे हैं, अपने आराध्य गणेश भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, धरती माँ की भी पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की भी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जब गणेश विसर्जन होता है तो एक गमले में होगा, वहाँ से अंकुर आएगा, एक पौधा आएगा हफ्ते भर के अंदर अंदर, तो वो एक प्राकृतिक हरा भरा, चाहे उसमें फूल हो चाहे उसमें सब्जी हो। उसके बाद हम अपना पृथ्वी में गंदगी ना हो, वो भी हमारी पूजा है, कर्म ही पूजा है।